Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Bair Khalid and you are watching the Station 87. हमारा आज का टॉपिक है मेटाफिजिक्स। फिलॉसफी की ये ब्रांच नेचर ऑफ रियलिटी के साथ डील करती है। नेचर ऑफ रियलिटी, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, रियलिटी और सेंस। इस ब्रांच में इस तरह के क्वेश्चन के आंसर ढूंढे जाते हैं, मसलन व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी या हाउ डज द वर्ल्ड एग्जिस्ट एंड व्हाट इज ओरिजिन आर सोर्स ऑफ क्रिएशन या फिर क्वेश्चन की नोयत कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, डज द वर्ल्ड एग्जिस्ट आउटसाइड द माइंड या फिर इज देयर अ गॉड। तो इस ब्रांच में इस तरह के सवालों के जवाब तलाश किए जाते हैं। इस ब्रांच की आगे फर्दर टाइप्स हैं, यानी हम रियलिटी को फाइंड करने के लिए ऑब्जर्वेबल से नॉन ऑब्जर्वेबल की तरफ जाते हैं, यानी नाउन से अननाउन की तरफ जाना। मेटाफिजिक्स के आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पर भी है कॉस्मोलॉजी, यानी के इल्मे कायनात, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। मेटाफिजिक्स की इस ब्रांच में कायनात से मुतलक स्टडी की जाती है कि क्या सिर्फ एक ही दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं या इस जैसी और भी हैं, यानी द मेन प्रॉब्लम ऑफ कॉस्मोलॉजी आर इज द वर्ल्ड वन और इट मैनी और इट बोथ वन एंड मैनी। उसके बाद दूसरी टाइप है अभी कॉस्मोगनी। दिस ब्रांच इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ क्रिएशन। दिस ब्रांच इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ क्रिएशन, दैट इज द वर्ड क्रिएटेड और इट इज इटर्नल और इट वॉज क्रिएटेड, हू क्रिएटेड इट एंड वाई, वॉट वॉज द पर्पज ऑफ इट्स क्रिएशन। यानी इस ब्रांच में इस चीज की स्टडी की जाती है कि क्या यह दुनिया बनाई गई या पहले से ही है, अगर बनाई गई तो कैसे बनाई गई, क्यों बनाई गई, किसने इसको बनाया, इस दुनिया को बनाने का मकसद क्या था। इन तमाम किस्म के मसाइल को इस ब्रांच में स्टडी किया जाता है। मेटाफिजिक्स की तीसरी ब्रांच का नाम है ऑन्टोलॉजी। मेटाफिजिक्स को आमतौर पर ऑन्टोलॉजी भी कहा जाता है। ऑन्टोलॉजी में हम देखते हैं कि ऑन्टोलॉजी क्या है। ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। इसमें हकायक जानने की कोशिश की जाती है कि रियलिटी क्या है। असलन इसमें इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, इज देयर अ गॉड, डज द वर्ल्ड एग्जिस्ट एंड व्हाट इज इट्स सोर्स ऑफ क्रिएशन। मेटाफिजिक्स की चौथी ब्रांच का नाम है अभी एस्केटोलॉजी, यानी मुख्तसर अल्फाज में अगर हम इसको कहें तो ये अकीदा जुर्म और सजा के बारे में है। इसमें इस चीज पर स्टडी की जाती है कि मरने के बाद हमारी सोल के साथ क्या होगा,
क्या दुनिया में किए गए अच्छे अमाल का हमें रिवार्ड मिलेगा या नहीं, और दुनिया में अगर कोई बुरे काम किए हैं क्या उनकी सजा मिलेगी। यानी इस ब्रांच में दूसरी दुनिया के बारे में स्टडी की जाती है। मुख्तसर हम कह सकते हैं द डिस्कशन ऑफ द कंडीशन ऑफ सोल, द डिस्कशन ऑफ द कंडीशन ऑफ सोल आफ्टर डेथ एंड द नेचर ऑफ द अदर वर्ल्ड। मेटाफिजिक्स की पांचवी ब्रांच का नाम है अभी फिलॉसफी ऑफ सेल्फ। फिलॉसफी की इस ब्रांच में हमारे खुद के बारे में फिलोसफिकल एनालिसिस किया जाता है, यानी दिस इज मेनली कंसर्न्ड विद द फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ सेल्फ। इसमें नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग की स्टडी की जाती है, यानी नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग की स्टडी की जाती है। तो ये थी मेटाफिजिक्स की पांच ब्रांचेस। तो इस वीडियो में हमने मेटाफिजिक्स की पांच ब्रांचेस को डिस्कस किया, इसमें कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगनी, ऑन्टोलॉजी, एस्केटोलॉजी और फिलॉसफी ऑफ सेल्फ को हमने डिस्कस किया। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।